आगे दूर थोड़ा सा जी प्लीज भाई जी पीछे हटके जी हटके जी। हाँ हाँ ठीक है पीछे हो रहे हैं जी हो रहे हैं भाई पीछे हो रहे हैं चिंता ना मानो आप तो पहले हो रहे हैं। राजेंद्र बना लो अपना रे बोलो बैठा का ना धाक की लाकड़ी बैठा अरे पास प्यार कर ले चली हो रही जी सर कल उनकी माता जी का सुबह 11 बजे करीब देहांत हुआ था। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया था। देन उसको उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी फॉर द लास्ट रिचुअल्स। घर से हमारे को कॉल आई थी कि 4th of July जो कि आज है उनके अंतिम संस्कार होना है। उसके लिए हमने ऑनरेबल मकोका कोर्ट जो द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट में है ऑनरेबल चरणजीत सिंह जज साहब के सामने एप्लीकेशन मूव की थी। उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए ताकि बिकॉज ही इज़ द एल्डर सन इन द फैमिली और सारी जो क्रिया हैं जो रस्में हैं वो सारी एल्डर सन ही करता है घर में, तो उन्होंने 6 घंटे की कस्टडी पैरोल ग्रांट करी थी आज के लिए जो कि सुबह 11 बजे से अभी इवनिंग 5 बजे तक है। देन उसके बाद यहाँ पे उसको सुबह 11 बजे लाया गया घर पे ले जाया गया। जो सारे रिचुअल्स ही वो घर पे हुई हैं जो लास्ट रिचुअल्स होती हैं लास्ट राइट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है क्रिमिनेशन ग्राउंड में मुख्य अग्नि दी गई उनकी माता जी को और उनको वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ प्रशासन का बहुत सहयोग रहा सारा प्रशासन मौजूद था यहाँ पे और सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ है यहाँ पे। सुरक्षा को देखते हुए भी और वापस घर पे ताकि सारी सुरक्षा और सारी चीज़ें हैं तो एजेंसीज की भी ये थी कि ताकि सारी जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं तो उसके बाद अभी उनको वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सर आपका परिचय? मेरा रोहित कुमार नाम है मैं एडवोकेट हूँ संदीप का।